अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। चाचू, मुझे उसकी याद आ रही है। मैं अकेली हो गई हूँ यहाँ पर। आप प्लीज उसको कराची ले आए। आपका जो भी खर्चा होगा वो मैं दे दूंगी। हम कराची जा रहे हैं, आप ही से मिल लें। नहीं हादिया, अम्मी गुस्से होंगी अगर बगैर बताए जाओगे। मैं इसे लेकर जाऊंगा। देखो शजू, झगड़ा मत करो, बात मत बढ़ाओ। चाची मुझे जाने देना। इधर आना, तेरी आमना। पर पप्पू, हो सकता है चाचू बोला है ना, सुबह की जैसी तबीयत ठीक होगी हादिया को लेके आएगा वो। वाह, सिलाई तो अच्छी कर लेती हो तुम। क्या हुआ भाभी, कोई काम था? हाँ बिल्कुल, काम से ही आई हूँ मैं। सारा दिन तुम्हारा ये सिलाई करके कमर ही तोड़ने का इरादा है या घर की भी कोई फिक्र है? बस भाभी, वो कपड़े सीते सीते आंख लग गई थी। वो भाभी, आपसे एक बात करनी थी। देखो सारा, मैं कोई भी ऐसी बात सुनने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ जिससे मुझे गुस्सा आ जाए। और एक बात और, ये सोचना भी मत कि तुम मेरी शिकायत लगाकर मुझे डांट पड़वा दोगी। सारा, अगर तुम्हें ये लगता है ना कि तुम्हारी खाला का घर है और तुम्हारी बात सुनी जाएगी, तो ये तुम्हारी भूल है। भाभी, मैंने तो अभी तक कुछ कहा ही नहीं है आपसे। बस बस, जानती हूँ मैं अच्छे से कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। ये दो सूट सिलाई करके ये मत समझना कि पूरे घर की लाडली बन जाओगी। पिछले 5 साल से इस घर में हूं मैं और अपना खून पसीना एक किया है, तब जाकर इनके दिलों में जगह बनाई है अपनी। मशीन चला चला कर तुम्हें लगता है कि तुम इस घर पे कब्जा कर लोगी? चलो जल्दी करो, आधे घर का काम पड़ा हुआ है बाकी। और हाँ, ये शॉपर मुझे दो, मैं अब्बू को दे दूंगी। अरे ये तो 3 सूट थे ना, एक क्या तुमने सिलाई नहीं किया अभी? भाभी आप रहने देना, मैं 3 सूट सी के दे दूंगी खालू को। क्या मुझ पर एतबार नहीं है तुम्हें? मैं दे दूंगी, तुम काम करो अपना। सारा, अरे ओ सारा, अरे भाई सूट ले आओ, मांग रहा है, देना है उसको। सारा। ओहो जी अबू। सारा कहाँ है? अबू सारा तो अपने कमरे में सो रही है और मैं काम कर रही थी, बस आपकी आवाज सुन के आना पड़ा। और ये तुम्हारे हाथ में कैसे? ओ मुझे याद ही नहीं रहा, वो मैं सारा के कमरे में गई थी ना, सारा सो रही थी तो ये कपड़े हद से ले पड़े थे, मैं इनको तो सिलाई कर रही थी पर आपकी आवाज सुन के आ गई जल्दी से। जहां तक मुझे पता है तुम्हें सिलाई तो नहीं आती। अबू घर में काम ही इतना होता है, फुर्सत कहाँ मिलती है मुझे सिलाई करने की, वरना मुझे तो सिलाई आती है, आप चाहें तो अजहर से पूछ लें। अरे मैं क्यों पूछ लूं भाई,
हैं? ये तो दो सूट हैं। अबू मुझे तो नहीं पता, मुझे तो सारा के कमरे में ये दो ही सूट पड़े हुए मिले। सारा, अरे सारा। जी खालू। क्या ये हद है लापरवाही की? अरे तुमने एक दिन ज्यादा लगा दिया, उस पर काम भी पूरा नहीं किया, कहाँ एक सूट? बताओ सारा, अब्बू कुछ पूछ रहे हैं ना तुमसे, सूट कहाँ गया वो तीसरा? खालू वो आज सी दूंगी। यार लापरवाही की हद है, यानी किसी ने एतमाद करके हमें काम दिया है और हम उसको लेट काम दे रहे हैं। क्या यार, मैं ये सूट देकर आता हूँ, तू वो बाकी का सूट सियो। जाओ ना, क्यों खड़ी हो तुम, जाके जाके सूट सियो। अजीब सारे सिलसिले हैं यार, काम को पूरा नहीं करते। सुना नहीं तुमने अब्बू ने क्या कहा? जाओ जाकर सूट ढूंढो और जाकर सियो फौरन। हादिया को भी तो भूख लगी होगी ना? वो खाती पीती रहती है, उसकी शक्ल ही ऐसी है भूख मंगो वालो। तो उसकी टेंशन मत लिया कर और अपने काम से काम रखा कर। ओ महारानी, दरवाजे पे कोई आया, जाके खोल। सुनाई नहीं दे रहा? चल तू खाना खा, चल पानी दूं। आई अम्मा, कोई है? फकीरनी को कुछ दे दो अम्मा, अल्लाह तेरा भला करेगा, बच्चों में राज करेगी अम्मा। आई अम्मा, एक दो रोटी का सवाल है अम्मा। अम्मा अम्मा, मैं सदका जाऊं, मेरी गुड़िया रानी है तू। अम्मा जा, अम्मा के लिए थोड़ा आटा लेकर आ, खाने पीने के लिए भी कुछ हो ना तो लेकर आ। अम्मा 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 आ, 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 अम्मा को तो बोला? अम्मा नहीं है। क्या बोला? अम्मा नहीं है तेरी? बात सुन अम्मा, तू इधर इस घर में रहती है? भूख लगी है क्या मेरी अम्मा को? कुछ खाएगी? हाँ देख, ये फ्रूट ले, मिला है मुझे फ्रूट, ये जो तेरे को पसंद आए ना तू खा, ये ले 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 अम्मा, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह कर खा 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 खा। और भी खा खा मा खा 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 ले ले आशा बस शब। हाय अल्लाह, कैसे लोग हैं, बच्चों को भूखा रखते हैं। हेलो माय लिटिल स्वीट एंजल, ये आपका मुंह क्यों उतरा हुआ है? बाबा, मेरे फ्रेंड के बाबा ने ना उसे एक नया बैग कलर बॉक्स दिलाया। अच्छा, लेकिन आपने मुझे अभी तक क्यों नहीं दिलाया? दिला दिया उनके बाबा ने जी,
तो कल जब आप स्कूल से आएंगी तो आपको नया बैग, नया पाउच और कलर पेंसिल बॉक्स आपको नया दिलवा देंगे। सच्ची? यस। अब आप जल्दी जल्दी चेंज कीजिए और खाना खाइए। लेकिन जरूर मामा ने खाने में दाल चावल ही पकाए होंगे, मुझे दाल चावल नहीं खाने। अरे मेरा बच्चा, अगर कुछ और खाना है तो मैं बाहर से ला दूँ। बर्गर खाना है। हाँ बर्गर खाएंगे आप। अच्छा तो आप चेंज कीजिए, हम आपके लिए बर्गर लेके आते हैं। क्यों ए, मैं सत्य के जाऊं, मेरी मिठड़ी अम्मा तो क्यों रो रही है? ना ना ना, मैं सत्य के जाऊं, ना रो ना ना रो मेरी अम्मा ना रो। ये सेब खाएगी? माँ तो खाती भी नहीं है। बता क्यों नहीं रही? कौन आया दरवाजे पे? ओ महारानी कौन आया दरवाजे पे? अम्मा मैं जाती हूँ, अब फिर आऊंगी। हाँ देख फिर भी तुझे चाहिए तो ले ले। नरो नरो नरो, मैंने दे जितनी है तो नरो। हाँ देख रोना नहीं, देख रोटी भी है, रोटी जा रही हूँ फिर आऊंगी। हाँ सदके सदके जाऊ। अल्लाह है, अल्लाह है तेरा, अल्लाह है। वैसे बहुत बड़ी काम चोर हो तुम। घर का काम ना करना पड़े इसका अच्छा बहाना ढूंढ लिया है तुमने। आधा घर पड़ा है सफाई करने को। भाभी करती हूँ ना। हाय अल्लाह, कितना प्यार से भाभी बोलती हो तुम, लेकिन तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है बस यही बात समझ नहीं आ रही मुझे। भाभी मेरे दिल में कुछ भी नहीं है। अच्छा अच्छा ज्यादा बातें ना बनाओ, मेरा कमरा साफ कर दो। पिछली दफा भी ना तुमने बस कच्चा पक्का साफ किया था। हाथों में जान नहीं है क्या? तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मुझे कितनी बातें सुनना पड़ी हैं अजहर से। इस दफा मुझे शिकायत ना मिले सारा, मुझे कमरा बिल्कुल साफ चाहिए। मैं अम्मी के घर जा रही हूँ, उन्होंने भाई को भेजा है मुझे लेने के लिए। और हाँ वो लाउंज के पर्दे भी उतार देना, उन्हें भी धोना है। ठीक है? जी भाभी। जी भाभी। सबा क्या हुआ बेटा, दरवाजा क्यों बंद था? क्या हालत बना रखी है तुमने अपने? वो रात में काम कर रही थी मैं। अपना ख्याल रखा करो बेटा, तुम्हारे पापा बता रहे थे कि वो रात को आए थे तुमसे कोई ज़रूरी बात करने के लिए, लेकिन तुम सो रही थी, दरवाज़ा भी बंद था तुम्हारा। सबा बेटा ये तुम्हारा अपना घर है, अपना घर समझ के रहो। आज पता है तुम्हारे पापा कितना परेशान होके गए, तुम्हें कॉलेज भी नहीं ले जा सके, उन्हें फिक्र है तुम्हारी। अगर कोई भी बात है ना मुझे नहीं बता सकती ना, तो उन्हें बता दिया करो। सारा वक्त ना इस पर मत बैठी रहा करो। चेहरा देखा है अपना, कितना सा मुंह निकल आया है तुम्हारा। पढ़ाई में दिमाग जरूर लगाओ, लेकिन उसे दिल पर मत लगाओ। बेटा हम दोनों को फिक्र है तुम्हारी, अब सब कुछ तुम ही हो हमारा। फिर से हादिया का तो नहीं सोच रही? पप्पू वो मैं बोलो 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 तो क्या हुआ? तबीयत खराब हो रही है? अगर ज्यादा तबीयत खराब है तो मैं तुम्हारे पप्पा को फोन करती हूँ, अभी आ जाते हैं, वो डॉक्टर के लेके चले जाएंगे। नहीं पप्पा मैं ठीक हूँ। बेटा आराम करो और अब इस कंप्यूटर पे दोबारा मत बैठना, अपना ख्याल रखा करो और ये खिड़की दरवाजे खोल कर रखा करो। घुटन हो रही है कमरे में? घुटन तो बहुत बढ़ गई है पप्पो। हाँ हाँ
खत्म हो जाएगी। ये खिड़की दरवाजे खोलोगी, हवा क्रॉस होगी तो घुटन भी कम होगी। ठीक है बेटा? एक दो तीन चार पांच, ऐसे ही पैसे अगर आते रहे ना तो देखना फिर मैं सारे के सारे कर्जे उतार दूंगा भैये। वाह भाई वाह, इतनी सारी नोटे, बहुत खुश नजर आ रहे हो। कोई नया काम शुरू कर दिया है क्या? काम के पैसे आए, काम के। कौन सा काम? कौन से काम के? अरे सारा ने जो सूट सिए थे ना उस काम के, अभी 10 सूटों का ऑर्डर और लेके आया हूँ मैं। क्या सूट सिए भाई, बड़ी तारीफें हो रही थी वहां सारा की, और इस घर की औरतों को शर्म आनी चाहिए कि एक बच्ची ने ऐसा काम। अरे शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए जफर, घर में दो मर्द के होते हुए वो मासूम बच्ची कमाएगी और हम सब खाएंगे। अच्छा ये खबरें बंद करो रेडियो की, ठीक है, और मुझे अपनी बात कहने दो। ये खुशखबरी है, सारा को बुलाओ, उसको सुनाऊंगा। कैसी खुशखबरी? सारा को बुलाओ, खुशखबरी उसी को सुनाऊंगा मैं। जाओ। कैसी खुशखबरी? पहले सारा को आने दो। सारा। अरे वो ए सारा। जी अब्बू, कुछ काम था तो मुझे बता दें। आपसे नहीं था, सारा से काम है, उसे बता देंगे। सारा। ए सारा। जी खालू। कब से अब्बू आवाज दे रहे हैं, सुनाई नहीं दे रहा था। ए, 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 उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, जो कहेंगे हम कहेंगे। अरे उसने तो हमारा दिल खुश कर दिया है, क्या सूट सिए, और इतने पसंद आए उनको। और वहां एक मैडम आई हुई थी, क्या बात है उन मैडम की, इतनी लंबी गाड़ी, क्या टेलीफोन था उनके पास, ऐसे मोबाइल भी पकड़े हुए, क्या कपड़े पहने हुए थे उन्होंने, जो सूट देखे ना तो कह रहे किसने सिए, अरे वाह ये तो नेट पे देखे मैंने ऐसे सूट। उन्होंने एक लंबा ऑर्डर देने का वादा किया है, अब यहाँ पैसा आने से कोई भी नहीं रोक सकता, अब यहाँ मशीन लगेगी पैसे की, ये हे हे हे। और सुनो, इस बच्ची को अब कोई कुछ नहीं कहेगा, अपने अपने काम पे ध्यान दो। ये अपने काम पे ध्यान देगी, है ना बेटे, जाओ। अच्छा बेटा बात सुनो, सारा वो एक सूट रह गया था ना, वो कहाँ है? वो सूट सिल गया है। तो लेके आओ। अरे लाओ भाई, कहाँ है सूट? जाओ बेटा जाओ, शाबाश। थैंक यू।
जल भुन के राख हो गया भाई। अच्छा बेटा जाओ शाबाश सूट लेके आओ। ये जफर खुदा के लिए मासूम सी बच्ची है, रहम कर जाओ। क्यों? अरे तुम लोग जलते हो, एक बच्ची से जलते हो। इतना काम करेगी ना वो, देखना पैसा ही पैसा होगा, हमारी जेबें भरी हुई होंगी। और खाली करने वाला कोई भी नहीं है। जफर तुम्हारा ये लालच तुम्हें ले डूबेगा एक दिन। अरे जाओ ले डूबेगा लालच। चल भाई नया ऑर्डर देखें। हेलो सुमाइला, यार आज तबीयत ठीक नहीं थी तो इस वजह से कॉलेज नहीं आ सकी, पर मैं कल कॉलेज आऊँगी। अच्छा तुमसे एक ज़रूरी बात ये करनी थी कि तुम्हारे कज़न जो हैं उनका सॉफ्टवेयर हाउस है ना। हाँ इसी सिलसिले में मुझे तुमसे एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है। हाँ हाँ डन, ओके मिलते हैं कल, बाय। अरे आप ऑफिस नहीं गए आज? अब ये जब तुम्हारी भतीजी की तबीयत खराब हो सकती है तो हमारी नहीं हो सकती? क्यों क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? भाई तबीयत पूछ के खराब थोड़ी होती है, लेकिन आज आराम करने का दिल चाह तो छुट्टी कर ली। वैसे हल्का सा बुखार चेक करो। अच्छा अच्छा तो जब तबीयत खराब है तो यहाँ बैठे हुए क्या कर रहा हो? अंदर जाके आराम करो, टैबलेट भी ले लो कोई। माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हो, कहीं जा रही हो क्या? अरे हाँ वो मोहल्ले में कुल का ख़त्म है, वहाँ जा रही हूँ। जाओ पर सबा से कह देना कि ये प्याली मुझे चाय बना दे, तबीयत अजीब सी हो रही है मेरी। उससे क्यों बोलती हूँ, वो तो काम कर रही है, मैं बना देती हूँ। नहीं नहीं भाई तुम जाओ, अपना सिक्का क्यों खोटा कर रही हो? तुम जाओ, अब उसको भी कुछ काम करने तो उससे कह दो, वो बना देगी चाय। ठीक है मैं बोलती हूँ उसे। अच्छा बात सुनो, कब तक आओगी तुम? आ जाऊंगी एक तो घंटे में। सबा बेटा मैंने मना भी किया था कि दरवाज़ा बंद नहीं करना, फिर तुमने दरवाज़ा बंद कर लिया। खैर मैं ज़रा मोहल्ले में जा रही हूँ, तुम अपने पप्पा को एक कप चाय बना कर दे देना। आ जाऊँगी थोड़ी देर में, ठीक है? मैं ज़रा मोहल्ले में जा रही हूँ, तुम अपने पप्पा को एक कप चाय बना कर दे देना। आ जाऊंगी थोड़ी देर में, ठीक है? ठीक है।
वो एक सूट रह गया था ना, वो कहाँ है? वो सूट सिल गया है। सारा तुमने ये अच्छा नहीं किया। तुम मुझे इस घर में नीचा दिखाना चाहती हो कि मैं कभी नहीं होने दूंगी। मेरे कमरे में आकर मेरे साथ जो खेल खेलने की कोशिश की है ना तुमने, इसका जवाब देना मुझे बहुत अच्छे से आता है। दूध गिरा दिए, चाय कैसे बनेगी? सर में इतना शदीद डर था कि जी करता था कोई दबा दे। प्यार से गोली खिला दे, चाय मिल जाए, लेकिन अब तो चाय नहीं मिल सकती। किस्मत में चाय नहीं थी। पापा, दूध होगा फ्रिज में। अच्छा, तो जाओ ले लो फ्रिज से दूध। समझ में नहीं आ रहा कि तुम इतना मुझसे घबरा क्यों रही हो। अब ऐसे मुझसे डरोगी तो क्या होगा? अगर चाय नहीं बनानी थी तो मना कर देती। नहीं, मैं बना देती हूं। पहले ये बताओ, कमरे में क्या कर रही थी? पापा, शायद मैं सो रही थी। सो नहीं रही थी। मेरे घर में जो तुमने ये हरकतें शुरू कर दी है ना सबा, तुमने कभी मुझे कुछ अपना समझा ही नहीं। हालात ही समझती नहीं। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हूं। तुम्हें चाय बनानी नहीं आती ना? चलो मैं सिखा देता हूं। आओ। पापा छोड़े, मेरा हाथ जल रहा है। तकलीफ हो रही है ना? मुझे भी तकलीफ हो रही होगी। छोड़े मेरा हाथ। तू मेरी बात नहीं मानती ना, मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत। पापा मेरा हाथ छोड़े। वो मोबाइल ही भूल के चली गई, पता नहीं कहाँ रख दिया। कहाँ रह गया मोबाइल? कहाँ रखा है? जुबैर, समीना ने और कुछ बताया ना, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। जुबैर, जुबैर, हाँ, तुम जल्दी कैसे आ गई? फोन भूल गई थी ना अपना, तो मैंने सोचा कि वहीं से बाजार चली जाऊंगी। फोन तो होना चाहिए ना। हाँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नाजो की पली बच्ची है, काम इसको किसी ने सिखाया नहीं। चाय बनाने खड़ी हो गई, चाय बना रही थी, दूध गिरा, दूध गिराया, हाथ जला लिया। हाथ जल गया? अरे दिखाओ मुझे, कैसे? ट्यूब लगाती हूँ मैं तुम्हारे। मैंने कहा भी था कि मैं चाय बना के चली जाती हूँ। ओफो, ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा बेटा? चलो डॉक्टर के चलते। मैं ले जाता। अरे सारा, जल्दी आओ, बात सुनो। सारा, अरे सारा, क्या बात है? माशाल्लाह, मेरी बच्ची प्यारी प्यारी, क्या सूट सी है तुमने? 10 नए सूटों का ऑर्डर मिल गया है। अरे वाह, अब तुम सूट सी हो, बस तुम देख लेना मेरी बात, याद रखना, अजहर से ज्यादा कमाओगी महीने के। सूट सीती रहो,
अब घर का कोई काम तुम नहीं करोगी, समझी? कपड़े सियो, बस सियो, सीती रहो। और देखना कितना ऑर्डर आएगा तुम्हारे पास। अच्छा एक खुशी की बात और है, वो मैडम जो है ना वो कार्ड दे के गई है, ये देखो अपने पास रखो संभाल के, क्योंकि सारे ऑर्डर तो वहीं से आने हैं। तुम क्या खड़ी हो यहाँ भाई, जाओ काम संभालो घर का। पता नहीं मेरी बच्ची को कब से घर के कामों पे लगाया हुआ है। मेरा प्यारा बेटा, अब देखना इस घर में पैसा आने से कोई नहीं रोक सकता, मशीन चलेगी और पैसा आएगा, बस मशीन नहीं रुकनी चाहिए। जाओ शाबाश बेटा, ये ले जाओ, जाओ जाओ बेटा, जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी, शाबाश शाबाश। अरे वाह, एक इसको तो बता दूं। तकलीफ हो रही है ना, मुझे भी तकलीफ हो रही होगी। छोड़े मेरा हाथ। तुम मेरी बात नहीं मानती ना, मुझे बहुत बुरा लगता, बहुत।